नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 1997 की बात है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का दौरा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किया था। मार्क टेलर की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम उस समय बहुत मजबूत हुआ करती थी। ऐसे ऐसे मैच विनर खिलाड़ी थे कि किसी भी टीम को उसके घर में घुसकर ये टीम हराया करती थी। हर खिलाड़ी अपने करियर के पिक पर थे। एशेज का तीसरा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में मुकाबला खेला जा रहा था। 3 जुलाई से टेस्ट मैच शुरू हुआ, पर 6 जुलाई को स्टीव वॉ ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से पूरा इंग्लैंड ध्वस्त हो गया। साथ ही शेन वॉन की फिरकी के आगे इंग्लैंड के सारे बल्लेबाज नाच गए। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले ही दिन स्टीव वॉ ने शतक जड़ दिया, 102 रन बनाकर नाबाद रहे और दूसरे दिन अपने खाते में 6 रन और जोड़ दिए। 108 रन बनाकर स्टीव वॉ आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 235 रनों पर सिमट गई। उधर इंग्लैंड को भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने पहली पारी में 162 रनों पर समेट दिया। शेन वॉन ने 6 विकेट हासिल किए तो तेज गेंदबाज ग्लेन मैग्रा ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद 6 जुलाई यानी आज ही के दिन स्टीव वॉ ने लगातार दूसरी पारी में शतक ठोक दिया। गजब फॉर्म में चल रहे थे, 271 गेंदों का सामना किया और 10 चौके लगाए और उन्होंने दूसरी पारी में 116 रन बनाए। साथ ही मार्क वॉ जो कि उनके भाई साहब थे, उन्होंने भी 55 रनों का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरी पारी में 395 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 200 रन ही बना सकी, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 268 रनों से मुकाबला जीत लिया। दूसरी पारी में ग्लेन मैग्रा ने 4 विकेट हासिल किए, जेसन गिलेस्पी को 3 विकेट मिले और फिरकी के जादूगर शेन वॉन ने भी 3 विकेट हासिल कर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। पर मैच का हाईलाइट स्टीव वॉ का शतक रहा, खासकर दूसरी पारी में जिस तरीके से वो अकेले खड़े रहे और डटकर बल्लेबाजी की, वो मजेदार था। आपको बता दें, पिछले 50 सालों में ये पहला मौका था जब ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज ने लगातार 2 पारियों में शतक ठोका था। इतिहास तो स्टीव वॉ ने रचा ही, साथ ही उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।